बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या फिर होली या दिवाली, कोई सा भी त्योहार हो, बनाए ये बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता मूंग दाल की मठरी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता ये मठरियाँ बनके तैयार हुई है। तो मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मूंग दाल। तो यहाँ पर मैंने बिना छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, आप छिलके वाली मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मूंग दाल को अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। इसके बाद में ये जो मूंग दाल है इसे हम लगभग 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। आप चाहें तो इसे रात में भी भिगो कर रख सकते हैं अगर आपको सुबह इसे बनानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूंग दाल है वो काफ़ी अच्छे से फूल गई है, काफ़ी अच्छे से इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इजीली ये नाखून से टूट जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जिस पानी में हमने मूंग दाल को भिगो कर रखा था उस पानी को हम हटा देंगे और इसके बाद में ये जो मूंग दाल है इसमें से हम 1 चम्मच मूंग दाल अलग से निकाल लेंगे। इस मूंग दाल को हम साइड में रख देंगे और बाकी ये जो बची हुई मूंग दाल है इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये मूंग दाल की मठरी बनाकर जरूर ट्राई करें, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छीली हुई लहसुन की कलियां, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो हटा दें। 2 हरी मिर्च, आधी चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसका एकदम बढ़िया स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर पाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को किसी भी एक बड़े साइज के बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो बाउल में निकाल लें या फिर किसी भी बड़ी थाली में निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें, जैसे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन को अच्छे से क्रश करके ऐड कर देंगे, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/8 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 3 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद में जो हमने साबुत मूंग दाल भिगोई हुई निकाल के रखी थी उसे ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से ताकि जो सारे मसाले हमने अभी ऐड किए वो अच्छे से पेस्ट में मिक्स हो जाएं। इसके बाद में हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे और ये जो हमने अभी पेस्ट बनाकर तैयार किया इसी के मॉइस्चर में हम पहले इस 1 कप मैदा को अच्छे से गूथ लेंगे। इसके बाद में हम इसमें और मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अभी बैटर थोड़ा सा गीला लग रहा था तो मैंने इसमें 1 कप मैदा और ऐड किया है। तो इस रेसिपी में मैदे को हमें ना तो वेट करके लेने की ज़रूरत है और ना ही हमें चम्मच से कप में दबाते हुए लेने की ज़रूरत है। सिंपल सा आप पैकेट से या फिर स्पून से मैदा कप में डाल लीजिए और इसके बाद में ऐड कर दीजिए। ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सेमी हार्ड डो लगाकर हम तैयार कर लेंगे। सेम वैसा जैसा हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा हम इसका गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब हम गूंथे हुए आटे के ऊपर लगभग 1 चम्मच ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर देंगे, फैला देंगे और इसके बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए आटे को सेट होने देंगे, ढककर इसे हम रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोबारा इसे अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें से छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। तो जितने बड़े साइज़ की आपको मठरी बनानी है उतने बड़े साइज़ का आप पेड़ा तोड़ लें और इसके बाद तैयार पेड़े को जितने बड़े साइज़ की आप मठरी बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बेल लें। तो बेलने के पहले आप चकले पर या फिर जिस भी सरफेस पर आप इसे बेल रहे हैं उस पे और बेलन पे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लें। आप चाहें तो ऑयल ग्रीस करने की प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं और सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मठरी को अच्छे से बेल लिया है।
अब हम इसमें फोर्क की मदद से छेद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेला है तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेला है। तो सारी मटरियाँ हम इसी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम मटरियों को डीप फ्राई करेंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम मटरियों को लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेंगी और जल जाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर आप इनको पलट पलट कर दोनों तरफ से हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मटरियों को काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लिया है, बढ़िया सा सुनहरा कलर इनके ऊपर आ गया है। तो अब हम इन मटरियों को किसी भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद में हम इसी तरह से सारी मटरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने ये जो मटरियाँ हैं इनको गोल शेप में बनाया है। आप चाहें तो जैसे नमक पारे होते हैं वैसे भी बना सकते हैं या फिर शक्कर पारे के जैसे डायमंड शेप में भी इनको बना सकते हैं, लेकिन एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी मटरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और एक मटरी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कितनी ज़्यादा खस्ता ये बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।